मैम 30 डेज बचे एग्जाम्स के लिए, बहुत नर्वस फील हो रहा है, बहुत टेंशन आ रहा है मैम। अभी तक जिस फोकस के साथ, जिस एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई होनी चाहिए अभी तक नहीं हो रही है, कंसंट्रेशन फील नहीं हो रहा है, मैम क्या करें। आई नो आपके दिमाग में ना बहुत सारे टैब्स खुले हैं, एंड ये एनर्जी जो कम है आप में वो वापस लाने के लिए, आपको मोटिवेटेड फील करवाने के लिए एक स्ट्रैटेजी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। ये स्ट्रैटेजी सुनकर आप ना कि मोटिवेटेड हो जाओगे, आप खुद से खुद होके पढ़ाई करोगे, पास देखोगे उस मार्कशीट पे, एंड यू विल बी थैंकफुल कि थैंक गॉड लास्ट का एक महीना बचा था तब मैंने ये अप्लाई किया, एंड दिस एक्टेड एज अ गेम चेंजर फॉर मी। और ये स्ट्रैटेजी के साथ मैं लास्ट में एक सक्सेस मंत्रा बताऊंगी, ये स्ट्रैटेजी को बैकअप करने के लिए वो सक्सेस मंत्रा बहुत यूजफुल रहेगा आप लोग के लिए, तो ध्यान से सुनना मुझे, एंड तक सुनना मुझे। एंड दिस स्ट्रैटेजी इज कंट्रोल ऑल्टर डिलीट। मैम क्या बोल रहे हो? सी गाइस, एक सिंपल बात बताती हूँ मैं आपको कि सपोज आपके सामने आपका लैपटॉप खुला है, बहुत सारे दिन भर आप लैपटॉप पे रहते हो, रिविजन लेक्चर्स देखते देखते, एंड सपोज आपका लैपटॉप हैंग हो गया, तो फर्स्ट चीज आप क्या करते हो? यू प्रेस दीज बटन्स कंट्रोल ऑल्टर डिलीट। उससे क्या होता है, लैपटॉप रिफ्रेश हो जाता है, रिबूट हो जाता है, एंड आप फिर से काम पे लग जाते हो। फिलहाल आपकी भी हालत कुछ ऐसी ही है, दिमाग कुछ हैंग बिहेव कर रहा है, ये भी चल रहा है दिमाग में कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये चैप्टर का क्या होगा, उस कॉन्सेप्ट का क्या होगा, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है, इस वजह से आपका दिमाग थोड़ा हैंग बिहेव कर रहा है। तो हैंग दिमाग को क्योर करने के लिए भी अभी अपने को ये प्रिंसिपल अप्लाई करना है, कंट्रोल ऑल्टर डिलीट। सो बिफोर आई मूव ऑन टू दैट प्रिंसिपल, ऐसे ही बहुत सारे क्रूशियल वीडियोस, रिजल्ट चेंजिंग स्ट्रेटजीज मैं इस चैनल पे डालती आई हूं और डालती रहूंगी टिल द डेट ऑफ योर एग्जाम्स, ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, बिकॉज ये स्ट्रेटजीज के वजह से थाउजेंड्स ऑफ students have benefited and they have created their success stories, and you never know, you can be the next one. So in case abhi tak channel ko subscribe nahi kiya hai to subscribe, hit that bell icon so that you don't miss out on any single update which can take you closer to your goals. So firstly, what you should control, सिंपल गाइस, एक चीज को ना गांठ बांध लो, एक थॉट को गांठ बांध लो। द पास्ट इज इन योर हेड, द फ्यूचर इज इन योर हैंड्स। आई रिपीट, द पास्ट इज इन योर हेड, द फ्यूचर इज इन योर हैंड्स। अभी मैं देख रही हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स ना एक ही बात बोल रहे हैं, मैम काश अभी तक पढ़ लेते, मैम यार पढ़ना चाहिए था, मैम बस टाइम वेस्ट हो गया, मैम रिजल्ट के बाद इतना सारा टाइम वेस्ट कर लिया, मैम बहुत गिल्टी फील हो रहा है। अरे बच्चों, क्या पास्ट में जाके कुछ चेंज हो सकता है? नहीं। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई तो कर ली थोड़ी बहुत, लेकिन फ्यूचर का सोच रहे हैं, मैम पेपर डिफिकल्ट आए तो, मैम मैं ब्लैंक हो गई तो एग्जाम्स में, मैम मुझे कुछ वन एंड हाफ डे में कुछ पढ़ाई नहीं हुई तो मेरी, दिस दैट, यू नो द थॉट्स ऑफ द फ्यूचर आर क्रिएटिंग एंजाइटी इन यू टूडे, एंड द थॉट्स ऑफ द पास्ट आर क्रिएटिंग दैट गिल्ट इन यू टूडे। इन दोनों थॉट्स का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू नीड टू कंट्रोल व्हाट कैन बी कंट्रोल्ड। यू कांट कंट्रोल योर पास्ट, यू कांट कंट्रोल योर फ्यूचर, व्हाट यू कैन कंट्रोल, यू कैन कंट्रोल टुडे, यू कैन कंट्रोल योर नेक्स्ट 24 आवर्स, योर नेक्स्ट मिनट एंड योर नेक्स्ट सेकेंड। सो लेट अस स्टार्ट टेकिंग इन चार्ज ऑफ आवर डे रादर देन थिंकिंग अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर। उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आज के दिन पे बात करते हैं गाइस, राइट? सो इंस्टेड ऑफ प्लानिंग योर डे, मैं तो बोलो आपका मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए। लेट अस स्टार्ट टेकिंग इन कंट्रोल ऑफ आर करियर। इनफ ऑफ सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, इधर उधर देख रहे हो, लेजी फील कर रहे हो, सो रहे हो, कुछ खाना खा रहे हो, कुछ बिंज सुन रहे हो, ऑल ऑफ दैट। अभी ड्राइवर सीट में बैठने की बारी आई है, सिट इन द ड्राइवर सीट, बिकॉज योर करियर एंड योर ड्रीम्स आर एट स्टेक। सो इट्स हाई टाइम लेट अस कंट्रोल व्हाट कैन बी कंट्रोल्ड। द सेकंड थिंग इज ऑल्टर। गाइस सी, अभी इस मोमेंट आके कोई नई बुक्स ऑल्टर नहीं करनी, आपके पास जो बुक्स है उसी बुक से पढ़ना है अभी आपको, जो अभी तक चैप्टर्स किए हैं वो ही चैप्टर्स करने हैं अभी आपको। इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशंस है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कोई नई बुक नहीं लेनी है अभी आपको, बिकॉज अननेसेसरी पैनिक होगा अगर अभी कुछ नया करोगे तो। और अगर आप फ्रोजन ही नहीं है अभी, आपका पता ही नहीं कि आपको कौन सी बुक करने वाले हो, तो इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, अभी जो मैंने बोला, जो नया चैप्टर है कुछ करना ही नहीं है, दैट डजंट मीन कि आप हाई अर्निंग चैप्टर्स नहीं करोगे। जैसे मैंने बताया लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी कि वी हैव टू मेक श्योर वी आर डूइंग द हाई अर्निंग चैप्टर्स। कि ऐसा नहीं है कि मैम ने बोला था कि कोई नया चैप्टर नहीं करना है तो आपने कोई बड़ा वेटेज का चैप्टर छोड़ दिया। फॉरेक्स करना है तो करना ही है, मार्जिनल कॉस्टिंग करना है तो करना ही है, पीजीबीपी करना है तो करना ही है। तो नेक्स्ट 10 डेज में अगर आपके प्लान में अगर नहीं था कोई हाई अर्निंग चैप्टर करना, तो ऑल्टर, स्लाइटली ऑल्टर करो अपने प्लान को, वो हाई अर्निंग चैप्टर इन्वॉल्व कर लो आपके स्टडी प्लान में। नेक्स्ट 10 डेज के बाद कुछ नया नहीं करना है, बिकॉज उसके बाद अगर ऐसे कोई बड़ा चीज उठा के बैठ गए, अपन ऑलरेडी पैनिक मोड में रहते हैं और पैनिक हो जाएगा।
ठीक है, तो ये ऑल्टर करना है और ये ऑल्टर नहीं करना है, दैट्स अबाउट ऑल्टरेशन। अच्छा वन मोर थिंग इन ऑल्टरेशन, अगर मैं आपको बता दूं तो अभी ना आपके डेली रूटीन में भी कोई ऑल्टरेशन नहीं चाहिए, फिक्स एवरीथिंग कि इसी टाइम पे मुझे 15 मिनट लंच के लिए जाना है, इसी टाइम पे मुझे ब्रेकफास्ट के लिए जाना है, इसी टाइम पे नहाना है, इसी टाइम पे सोना है। कोई अभी नाइट रूटीन करे, मैम सुबह उठे रात को पढ़े, कुछ नहीं, हर चीज फिक्स चाहिए, नो ऑल्टरेशन रिक्वायर्ड नाउ, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज डिलीट, यू नो इस टाइम पे आगे लोगों को कॉल करना बंद करो, तेरा कितना हुआ है, मेरा कितना हुआ है, तू दो ग्रुप दे रही है, मैं सिंगल ग्रुप दे रही हूँ, क्या करना है, कैसे करना है, कोई जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टॉक टू टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक एनर्जीज क्रिएट मत करो अराउंड। एक ही बात बोलती हूँ, रिप्लेसमेंट थियोरी यूज करो, रिप्लेस सोशल मीडिया विथ रिविजन्स मे बी, रिप्लेस बिंज वॉचिंग विथ टेस्ट मे बी, रिप्लेस चिट चैटिंग विथ फ्रेंड्स बाय क्लियरिंग योर डाउट्स मे बी। बस हो गया, लेट अस डिलीट द नेगेटिव थिंग्स, लेट अस डिलीट द टाइम वेस्टिंग थिंग्स एंड लेट अस एक्चुअली यूटिलाइज आर थिंग्स। ये आपको अभी काम में आने वाली है गाइज। दिस गेट्स मी टू माई सक्सेस मंत्र, जैसे मैंने बोला गाइज, रिविजन, रिप्लेस ऑल ऑफ दीज थिंग्स विथ रिविजन, दिस इज द बॉटम लाइन। रिविजन, रिवाइज, रिवाइज, रिवाइज गाइज। क्या होता है ना, सीए का सिलेबस है बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा यूथ सिलेबस है, तो इसीलिए जितना हो सके लास्ट मोमेंट आके डेली बेसिस पे क्यूमुलेटिव रिविजन करो, लास्ट के 15-20 डेज भी रिविजन के लिए रिजर्व रखो। आपने अगर ब्रूस ली का कोट सुना है कि आई डू नॉट फियर द मैन हु हैज मास्टर्ड 10,000 किक्स, आई फियर द मैन हु हैज मास्टर्ड 1 kick 10,000 टाइम्स। तो इसीलिए बस अपने दिमाग में बम्बार्ड कर दो चीजें बाय डूइंग क्यूमुलेटिव रिविजन्स। तो टाइम को तो यूटिलाइज करना ही है, दिमाग आपका थोड़ा सा कम हैंग हो जाएगा इससे, एंड ये सब को तब बेनिफिट मिलेगा अगर आप रिविजन्स करोगे तो। यस, तो बिल्कुल भी सोचना बंद करते हैं यार, लेट अस स्टॉप लुकिंग एट द एंटायर स्टेयर केस अहेड, लेट अस टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम। बस रिवाइज करो, टेस्ट दो, जैसे मैंने भी अभी मेरी टेस्ट सीरीज बिगिन की है जहां पे मैं आपको पूरा डिटेल में इवेल्युएशन रिपोर्ट देती हूँ कि कहाँ गलत है, कौन से कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम है, ताकि यू कैन वर्क अपॉन द थिंग्स इन दीज लास्ट फ्यू डेज। जनरली 2-3 डेज में आपको पेपर चेक करके मिल जाएगा, अभी तो हमने 1-2 दिन में ही पेपर चेक करके दिया है, एंड वी got amazing reviews for the quality of the papers and the checking of the papers. नीचे description box में मैं link दे देती हूँ, you can go and check that out. बस यार मेहनत करते हैं, let us stop thinking and let us stop acting. जैसे मैंने बोला, let us stop looking at the entire staircase, let us take it one step at a time and one day at a time from now onwards. ठीक है, so comment in the comment section below. I am ready to utilize every single minute and I am ready to give my best for the upcoming attempt. Comment in the comment section below. And before I sign out, I have got a quick update for you. गाइज, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो अपकमिंग मंथ है, अन अकेडमी पे आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस मिलने वाले हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ सेमिनार्स एंड मच मोर। जैसे आज इवनिंग में 16th of April इवनिंग 7 o'clock सीए रचना रानडे मैम इज कमिंग लाइव ऑन अन अकेडमी। अब सबको पता है सीए रचना रानडे मैम, एंड शी इज गोइंग टू टॉक अबाउट हर जर्नी फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। शी विल ऑल्सो टॉक अबाउट उनके चैलेंजेस जो थे, जो सीए के जर्नी के टाइम, सीए की पढ़ाई के टाइम जो उन्होंने फेस किए थे, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी किस्से वो शेयर करेंगे, एंड शी विल टॉक अबाउट हर एंटायर जर्नी, एंड इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग इनसाइटफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ अस। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देती हूँ, एंड यू कैन वॉच दैट सेशन फॉर एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट इफ यू यूज दिस कोड CARR। एंड ऐसे ही बहुत सारे पेड सब्सक्रिप्शन, पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है अनअकैडमी पे, जो भी बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल है गाइज, जहां पे लाइव इंटरक्टिव क्लासेस होते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में फास्ट ट्रैक भी है, मैराथॉन्स भी है, विदाउट इवन हैविंग टू पे अ पेनी एक्स्ट्रा। एंड एक ही सब्सक्रिप्शन में इतने सारे बेनिफिट्स रहकर भी कॉस्ट बहुत कम है। इफ यू यूज दिस कोड RCH10 तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलता है और एक सरप्राइज भी मिलता है मेरी साइड से। ठीक है, सो जाओ पढ़ाई करो, बिलीव इन योरसेल्फ। दिस इज मी साइनिंग आउट, टाटा।